18 के हमारे पैरा एथलीट से मिलने का मौका मिला। इन खेलों में भारत ने कुल 72 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और भारत का गौरव बढ़ाया। इन सभी प्रतिभावान पैरा एथलीट से मुझे निजी तौर पर मिलने का सौभाग्य मिला और मैंने उन्हें बधाई दी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हर विपरीत परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने का उनका जज्बा हम सभी देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इसी तरह से अर्जेंटीना में हुए समर यूथ ओलंपिक्स 2018 के विजेताओं से मिलने का मौका मिला। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि यूथ ओलंपिक 2018 में हमारे युवाओं ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस आयोजन में हमने 13 पदक के अलावा मिक्स इवेंट में 3 और पदक हासिल किए। आपको याद होगा कि इस बार एशियन गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। देखिए, पिछले कुछ मिनटों में मैंने कितनी बार अब तक का सबसे अच्छा, अब तक का सबसे शानदार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यह है आज के भारतीय खेलों की कहानी, जो दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रही है। भारत सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं गया था। उदाहरण के लिए मैं आपको पैरा एथलीट नारायण ठाकुर के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने 2018 के एशियन पैरा गेम्स में देश के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। वह जन्म से ही दिव्यांग है। जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। फिर अगले 8 वर्ष उन्होंने एक अनाथालय में बिताए। अनाथालय छोड़ने के बाद जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए DTC की बसों को साफ करने और दिल्ली में सड़क के किनारे ढाबों में वेटर के तौर पर कार्य किया। आज वही नारायण इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की खेलों में उत्कृष्टता के बढ़ते दायरे को देखिए। भारत ने जूडो में कभी भी, चाहे वो सीनियर लेवल हो या जूनियर लेवल, कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता। पर तबाबी देवी ने यूथ ओलंपिक्स में जूडो में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 16 वर्ष की युवा खिलाड़ी तबाबी देवी मणिपुर के एक गांव के रहने वाली है। उनके पिता एक मजदूर है जबकि मां मछली बेचने का काम करती है। कई बार उनके परिवार के सामने ऐसा भी समय आया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी तबाबी देवी का हौसला डिगा नहीं सकी और उन्होंने देश के लिए मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ऐसी तो अनगिनत कथाएं हैं। हर एक जीवन प्रेरणा का स्रोत है। हर युवा खिलाड़ी, उसका जज्बा न्यू इंडिया की पहचान है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको याद होगा कि हमने 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन किया था। पूरे विश्व ने बेहद सफल टूर्नामेंट के तौर पर उसे सराहा भी था। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में दर्शकों की संख्या के मामले में भी एक नया कीर्तिमान रच दिया था। देश के अलग अलग स्टेडियम में 12 लाख से अधिक लोगों ने फुटबॉल मैचों का आनंद लिया और युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस वर्ष भारत को भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के आयोजन का सौभाग्य मिला है। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। हर भारतीय, चाहे वह कोई भी खेल खेलता हो या किसी भी खेल में उसकी रुचि हो, हॉकी के प्रति एक लगाव उसके मन में अवश्य होता है। भारत का हॉकी में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अतीत में भारत को कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक मिले हैं।
और एक बार विश्व कप विजेता भी रहा है। भारत ने हॉकी को कई महान खिलाड़ी भी दिए हैं। विश्व में जब भी हॉकी की चर्चा होगी तो भारत के इन महान खिलाड़ियों के बिना हॉकी की कहानी अधूरी रहेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से तो पूरी दुनिया परिचित है, उसके बाद बलविंदर सिंह सीनियर, लेस्ली क्लोडियस, मोहम्मद शाहिद, उधम सिंह से लेकर धनराज पिल्ले तक हॉकी ने एक बड़ा सफर तय किया है। आज भी टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिश्रम और लगन की बदौलत मिल रही सफलताओं से हॉकी की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मैचेस को देखना एक अच्छा अवसर है। भुवनेश्वर